वो बहुत ज्यादा मिस करता हूँ। अगर आप ये वीडियो भी देखो तो उसके बाद प्लीज आप तो मुझे रिप्लाई दो। हम लड़के रो भी नहीं सकते यार, अगर दोस्त के सामने रोएंगे तो दोस्त मजाक कम बनाएगा, पड़ोसी के सामने रोएंगे तो पड़ोसी और ज्यादा मतलब उसका वो करेगा कि उसका उनका बच्चा रो रहा है कि वो बंदा रो रहा है। माँ बाप के सामने बैठे तो माँ बाप को बुरा फील होगा कि उनका जवान लड़का रो रहा है यार, क्या करूँ बताऊँ अपनी फीलिंग किसको बताऊँ जाके यार कि मेरे साथ ये हो रहा है मेरे साथ वो हो रहा है। टूटा हुआ साज हूँ मैं खुद से ही ना, थक गया यार मैं अपनी लाइफ से, अब ऐसे भी करते कच्ची थी आस की डोरी एक पल में। हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग? आप लोग अच्छे होंगे, मेरा तो आपको पता ही है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है यार। रात के 2 बज रहे हैं दोस्तों, वैसे यार पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ, मुझे खुद ही समझ में नहीं आ रहा यार। मैंने ना आज दिन में कोमल को कॉल भी की थी और अभी भी कॉल की है ना, अपने दोस्तों से भी कराई है, बट यार कोई जवाब नहीं दे रही है वो, ना वो मैसेज का रिप्लाई दे रही है। लास्ट वाली वीडियो तो आपने देखी होगी ना, उसमें मेरा भाई भी गया था उनके पास, मेरे मामा का लड़का है वो, मुझसे छोटा है तो वो भी गया था, तो उनको भी उन्होंने समझा दिया ये वो, बट उन्होंने प्रॉपर नहीं बताया प्रॉब्लम क्या है यार। मैंने नॉर्मल वीडियो की थी भाई, उसमें इतना बड़ा इशू तो होना नहीं चाहिए यार वैसे एक वीडियो से। उन्होंने भी तो मेरे साथ किया है बहुत बहुत सारी जगह ये वो यार, तो बट मैंने तो उसका इतना बड़ा इशू नहीं बनाया, बट उन्होंने बना दिया पता नहीं क्यों यार, मेरी समझ में नहीं आ रहा है ना। अगर कोई बंदा बात करे, जैसे अगर वो मुझसे बात करेंगे तो मैं समझ सकता हूँ कि हाँ ये हुआ है वो हुआ है, बट वो बात ही नहीं कर रही तो मैं कैसे बताऊँ अब क्या कहाँ क्या हुआ है। तो यार अब मैं खुद ही समझ में नहीं आ रहा मैं करूँ क्या यार, मुझे आगे काम भी करना है। गलती उनकी भी नहीं, उन्होंने क्या सोचा है मुझे खुद नहीं पता। तो दोस्तों ना आप लोग कमेंट करो यार, मेरा तो कॉल वो उठा नहीं रही है ना मुझसे बात हो रही है। अगर आप अगर वो वीडियो देख रहे होंगे तो आप लोग कमेंट करो, हालांकि वीडियो तो देखती हैं, तो आप कमेंट करो यार मुझसे वो बात कर लें और सॉल्व करें यार हमारी क्या प्रॉब्लम हुई उसको सॉल्व तो कर सकती हैं ना वो आके, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। बट अगर बात नहीं करेंगे तो मुझे थोड़ी नहीं पता है कहाँ क्या हो रहा है कहाँ क्या नहीं हो रहा है। मेरे तो बहुत अच्छे फ्रेंड है ना वो, मैं अपनी तरफ से उनको फ्रेंड मानता हूँ, वो मुझे नहीं पता मानती या नहीं मानती, बट मानती हैं यार, ऐसा तो नहीं होता है कि फ्रेंड नहीं मानती हैं, फ्रेंड मानती थी, बट अब क्या है क्या नहीं हुआ है मुझे नहीं पता। वीडियो में ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया होगा कुछ, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। अगर कोई वैसी प्रॉब्लम है फैमिली प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हो कि वीर ये बात है वीर वो बात है, आप ही तो बोलती थी ना वीर आप समझते हो सारी बातें, अगर आपको बताऊँगी मैं कोई भी बात थी आप डिस्कस करते थे तो आप बोलते थे कि आप समझते हो बात का सॉल्यूशन निकालते हो, बट अब क्या हुआ है यार। मैं आपको गलत नहीं बता रहा, आप बहुत अच्छे हो, बहुत ज़्यादा अच्छे हो यार, सीरियसली बता रहा हूँ। आप मेरी लाइफ में ना मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हो जिनके साथ मैं मतलब अपनी बहुत सारी बातें शेयर कर सकता हूँ, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो पर्सनल बात होती है वो भी आपसे शेयर करता हूँ मैं, आप मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हो यार सच्ची में। पर ना मैं आपको बहुत मिस करता हूँ, सच्ची में बता रहा हूँ कि ना आपको बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ। अगर आप ये वीडियो देखो तो उसके बाद प्लीज़ यार तो मुझे रिप्लाई दो कि यार मैं यार सच्ची में बोल रहा हूँ जेन्युइन कि मैं आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ, प्लीज़ यार आप रिप्लाई दो ना, कॉल करो या बात करो मुझसे, बताओ तो हुआ क्या है। अगर आप बताओगे तो उसका सॉल्यूशन निकलेगा ना उसके बाद ही, जब आप बताओगे, जब आप कोई बात बताओगे नहीं तो क्या होगा क्या नहीं होगा। यार मैं तो आपको बहुत अच्छा दोस्त मानता हूँ, बट पता नहीं क्या आपने सोच रखा है ऐसा कुछ, के क्या सोचा है क्या नहीं यार। प्लीज़ यार एक बार आप कांटेक्ट करो ना मुझसे प्लीज यार। देखो कोमल आप ही तो बोलते थे कि यार दोस्ती में ये होता है दोस्ती में वो होता है, अब क्या कर रहे हो तुम दोस्ती में यार। आप कॉल कर सकते हो ना, अगर मुझे पता है आप गुस्सा हो, मुझे पता है कि आप आज नहीं कल कल नहीं परसों बात करोगे मुझसे पता है, बट अगर आपको गुस्सा है वीडियो के लेके गुस्सा है तो यार अगर आप जब मुझसे बोलोगे तो मैं समझ जाऊंगा ना, आगे से नहीं होगा। अगर आपको कोई भी चीज़ ऐसी लगी है तो आगे से नहीं होगी ना वो चीज़,
बट आप बात तो कर सकते हो ना यार मुझसे, पता नहीं क्यों नहीं बात कर रहे आप। अगर आप मुझसे बात नहीं कर रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे फ्रेंड वगैरह हैं उनसे बात कर लो यार, बहुत सारे फ्रेंड हैं मेरे, मेरे भाई है भाई से बात कर लो। आप बात करके बता दो ना ये प्रॉब्लम है यार, उसका बात करोगे जब ही तो सॉल्यूशन होगा, वैसे कोई सॉल्यूशन होता नहीं। तो अगर आप वीडियो देखो ना तो यार सच्ची में प्लीज़ यार बात कर लो, आई मिस यू यार, यार एक बार मुझे कॉल कर लो यार, क्योंकि हम काफ़ी दिन हो गए आपकी आवाज़ नहीं सुनी है मैंने यार, मुझे ना आपकी आवाज़ सुनने का बहुत मन कर रहा है यार सच्ची में। जैन प्यार नहीं है बट आप प्यार से कम भी नहीं हो ना यार, फ्रेंड हो ना मेरे, बहुत ज़्यादा दिल के करीब वाले। तो अगर आप ये वीडियो देखो ना तो प्लीज़ यार एक बार ज़रूर कॉल कर लो, प्लीज़ बात करो ना मुझसे यार। यार देखो प्यार व्यार तो ख़त्म हो ही जाता है पता है एक ना एक टाइम के बाद, लेकिन दोस्ती कभी ख़त्म नहीं होती है। और अगर आप मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो ही यार पहले से, आपको भी पता है, बताया ना आपने मेरा जब साथ दिया था ना, जब मेरे साथ कोई नहीं था तब आप ही तो बोलती थी वीर मतलब हारना नहीं है आगे बढ़ना है लाइफ में, किसी के आने जाने से कुछ नहीं होता, बस आप अपना काम पर फोकस करो आगे बढ़ो लाइफ में। और जब मैं आगे बढ़ रहा हूँ अपना काम कर रहा हूँ फोकस कर रहा हूँ तो आप गुस्सा हो गए क्यों यार, आप नहीं चाहती हो कि मैं मतलब आपका फ्रेंड वीर आगे बढ़े लाइफ में। वैसे भी मुझसे बहुत सारे लोग जलते हैं यार, आपको पता है मेरे करीबी लोग जलते हैं मुझसे, आपको तो पता ही है यार, कोई नहीं चाहता मैं आगे बढ़ूँ, बट आप ही तो बोलते थे कि वीर आप लाइफ में आगे जाओगे, आप ये करो वो करो यार। अगर आज आप ही बात नहीं करोगे यार, आप ही नहीं समझ रहे हो कि मतलब मैं किस प्रॉब्लम में हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ यार, चैनल पे वीडियो भी नहीं जा रही है, आपको तो पता होगा ना कितना टेंशन में हूँ मैं अभी इस टाइम। और अगर मैं आज हार रहा हूँ तो उसका कारण आप ही बताते हो, पता नहीं क्या यार तुम देखना नहीं चाहती हो पता नहीं क्या। अगर ऐसा है तो आप बताओ यार, कॉल करके आप बता दो कि वीर अब नहीं हो सकता यार, मैं इसको वैसे भी छोड़ दे रहा हूँ क्योंकि यार मेरे बस की नहीं है ये करना यार, सब कुछ ये करना वो करना, इसमें अच्छे रिश्ते भी ख़राब हो जाते हैं। क्योंकि समझने वाला होना चाहिए कि अगर मैं वीडियो कर रहा हूँ तो आपको भी पता है कि मैं वीडियो कर रहा हूँ नॉर्मल, मैं मेरा कोई पर्सनल वो नहीं था कि मैं आपको बुरा फील कराऊँ, सिर्फ वीडियो कर रहा था। अगर आपको बुरा लगा है तो उसके लिए सॉरी यार, दिल से सॉरी अगर आपको बुरा लगा, बट आप बात कर लो, आपको लगता है कि बात करना चाहिए कर लो, अगर नहीं लगता है तो कोई बात नहीं, आप टाइम लो, टाइम के बाद बात कर लेना, बट ये मेरे बस का है भी नहीं है ज़्यादा वीडियोस वगैरह यार, क्या है क्या नहीं, थक गया यार मैं अपनी लाइफ से यार, वैसे भी करते करते देखो अगर होता है तो आप बात कर सकते हो कर लो ना, नहीं तो मैं हो सकता है घर जाऊँ अपने, उसके बाद देखूँगा कुछ टाइम के बाद वापस आऊँगा, मेरे बस का है नहीं यार इतना बर्दाश्त करना, मैं तो क्या है यार बताऊँ आपको, हम लड़के रो भी नहीं सकते यार, अगर दोस्त के सामने रोएंगे तो दोस्त मजाक बनाएगा, पड़ोसी के सामने रोएंगे तो पड़ोसी और ज़्यादा मतलब उसका वो करेगा कि उनका बच्चा रो रहा है कि वो बंदा रो रहा है, माँ बाप के सामने रोएंगे तो माँ बाप को बुरा फील होगा कि उनका जवान लड़का रो रहा है यार, क्या करूँ बताऊँ, अपनी फीलिंग किसको बताऊं जाके यार कि मेरे साथ ये हो रहा है मेरे साथ वो हो रहा है, क्या बताऊं यार, तुम ही अच्छे दोस्त थे तुम ही ऐसा कर रहे हो। लेकिन एक बात याद रखना कुंभ, मैंने ना तुमको अपना बेस्ट फ्रेंड समझा है, अगर मैं ना लाइफ में अपने आपके सुख में होगा नहीं हुआ आपके पास मुझे नहीं पता, बट कभी अगर आपको दुख आया ना तो सबसे पहले बंदा जो आपके पास आने वाला होगा ना वो मैं हूँगा। और मैं अगर आप इस वीडियो को देख रही हो तो प्लीज़ यार अगर आप मुझसे बात करो या मत करो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, अगर कभी भी आप प्रॉब्लम में हो ना तो मैं आपसे ये चाहता हूँ कि पहली कॉल आपकी मेरे पास आना चाहिए कि आप प्रॉब्लम में हो, कुछ नहीं यार छोड़ो।